नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर वरोना बल्लारपुर टोल रोड कंपनी, स्वामी फ्यूल कंपनी, धारीवाल पावर कंपनी व कोयले की कालाबाजारी करने वाले ठेकेदारों ने मिलकर 127 करोड़ रुपये का दिया चंदा। पार्टियों को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। किस तरह चंद्रपुर जिले से 127 करोड़ रुपये का चंदा गया, किस राजनीतिक पार्टी को यह चंदा गया, ये जांच का विषय बना हुआ है। 20 नवंबर 2023 को 1-1 करोड़ के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड वरोरा चंद्रपुर बल्लारपुर टोल रोड के नाम से बनाया गया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस राज्य की पार्टी को दिए गए, ये भारत देश की जांच एजेंसियों के लिए प्रमुख विषय बना दिखाई दे रहा है। तो वहीं 8 करोड़ रुपयों की लागत की कंपनी 5 करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर डोनेशन प्रदान करती है, तो ये विषय गंभीर दिखाई दे रहा है। ठीक है कि करोड़ के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड वरोरा चंद्रपुर बल्लारपुर टोल रोड के नाम से बनाया गया, जो कंपनी 300 करोड़ रुपये के ऊपर है। ये कंपनी 7 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राज्य की पार्टी को देती है, तो वह कमीशन के तौर पर देखा जा सकता है। पर जो कंपनी 8 करोड़ रुपये की है, वह कंपनी 5 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राज्य की पार्टी को डोनेशन के स्वरूप में देती है, तो यह जांच देश के जांच एजेंसियों की जांच का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। आज भारत देश में लोकसभा का इलेक्शन लग चुका है और इलेक्शन कमिश्नर की लिस्ट में चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से इलेक्ट्रा बॉन्ड से SBI से खरीदे हुए फंड का खुलासा हुआ है। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आज देश में इलेक्ट्रा बॉन्ड कौन खरीद रहा है, एक रोड कॉन्ट्रैक्टर टोलना का और कोल माफिया। ये बॉन्ड एक नंबर का पैसा है या दो नंबर का पैसा है, इसकी जांच नहीं हो पा रही है, ना इसकी किसी को पूछने की आज़ादी है। इस देश में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का पैसा पार्टियों को जा रहा है। इस पे तत्काल माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बंदी लाने को होना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी लाने को होना। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी का पहुँचने वाली है भ्रष्टाचार के तरफ। जय हिंद, मैं एडवोकेट किशोर पुसलवाल। पता चला है कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से BJP ने बहुत सारा चंदा लिया हुआ है और उसमें चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ने वरोरा और बल्लारपुर यहाँ से भी उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 7 करोड़ के करीब करीब चंदा गया हुआ है। तो एक कॉमन मैन होने के नाते हमारा सवाल ये बनता है कि ऐसी कंपनियों से चंदा लेना जिनकी खुद की हैसियत नहीं है और ऑडिटिंग रिपोर्ट के बगैर इस तरह के चंदे को कहाँ तक सही और योग्य माना जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरीके से अनगिनत रुपयों के चंदा का हेराफेरी हो रही है और ख़ासकर उन कंपनियों से जिन कंपनियों को ये लोगों ने, सत्ताधारियों ने, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम किया हुआ है। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है, जब तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है, तब तक ये आदेश का पालन करने के लिए SBI बैंक ने उसे जगजाहिर भी नहीं किया। अभी हमारे मिली हुई जानकारी के आधार पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्ताधारी पक्ष ने इस चंदे का आवंटन या फिर जमा करने का जो उद्देश्य था वो केवल सत्ता पे बने रहने के लिए लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव लाने और उनसे चंदा जमा करने की ही गतिविधि में शामिल है। अभी सब पूरे देश में इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से 2 कंपनियों के नाम उजागर हुए, जिसमें टोल कंपनी ने 7 करोड़ रुपये और कोयले में एक कंपनी है जिसने 5 करोड़ रुपए ऐसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदने का जो विषय सामने आया है। तो ये सब विषय बहुत गंभीर विषय है, ये भ्रष्टाचार का विषय है। एक तरफ इस जिले में बेरोजगारी और प्रदूषण से लोग मर रहे हैं और दूसरे तरफ पार्टियों को बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से चुनावी फंड जो है वो दिए जा रहे हैं। ये विषय भ्रष्टाचार का विषय है, इस पर बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।